हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पूजा तिवारी ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूं, आशा करती हूं आप सब भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आज शाम से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और शाम का टाइम है, शाम के बज रही हैं 8, और 8 बजे से ब्लॉगिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से हमने ब्लॉगिंग ही स्टार्ट किया हुआ था। तो अभी स्टार्ट कर रही हूँ और आज ये देखिए ये कलर की साड़ी डाली हुई है, और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कोई मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं है, सादा सिंपल से है। और मैं बना रही हूँ खाना। तो गर्मी में किचन का काम आप लोग सोच ही सकते हैं कितना मेहनत वाला होता है, तो बस वही कर रही हूँ, किचन में खाना बनाने जा रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सूरन की रेसिपी। तो सूरन की चोखा रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी, और आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के कमेंट से हमें काफ़ी मोटिवेट होने को मिलता है और काफ़ी अच्छा फील होता है, और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए फ्रेंड्स। ओके, चलते हैं किचन में। तो फ्रेंड्स, सूरन हमने छील के कढ़ाई में सूरन को पका लिया है। देखिए, ये सूरन मेरा पक चुका है। अब इसको मैं मैसर से मैश कर दूंगी सूरन को। देखिए, सूरन मेरा पक चुका है, तो इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और इधर मैं आप लोगों को मसाले में बता दूं, तो देखिए आप लोग, ये हल्दी है, ये लाल मिर्च पाउडर, और ये हींग पाउडर, ये धनिया पाउडर, और ये मेथी दाना, और ये रहा थोड़ा सा जीरा, और ये आदू मिर्चा लहसुन। तो ये टोटल है इसका मसाला। और ये मैंने कट की हुई है थोड़ी सी हरी धनिया, क्योंकि हरी धनिया के बगैर तो टेस्ट अधूरा है और फ्लेवर भी अधूरा है। तो फ्रेंड्स, अभी हम क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से, ओ हमारे यहाँ घरता बोलते हैं, चोखा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, इसको मैं अच्छे तरीके से, देखिए इस तरीके से मैसर से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ये गरम है। तो फ्रेंड्स, फाइनली देखिए हमने चोखे को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, और ये रहा राई का तेल। अब हम इसमें डालेंगे राई का तेल और गैस जला लूँगी। आपको जितना तेल डालना हो आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, तो मुझे जितना डालना है मैं उतना डाल रही हूँ। तो फाइनली मसाला हमारा तैयार है, आप लोगों के साथ मसाला शेयर कर दिया है। और ये रहा हमारा कढ़ाई, तो अब इसमें हम डालेंगे मेथी दाना। तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम मेथी दाना डाल देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मेथी चटक गई है, अब इसमें हम डाल देंगे जीरा, थोड़ा सा जीरा भी चटक गया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी आदू मिर्चा, आदू मिर्चा थोड़ा सा सेक लेंगे, इस तरीके से इसको हम थोड़ा सा सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, आदू मिर्चा थोड़ा सा हमारा सिक गया है, देखिए थोड़ा सा आदू मिर्चा सिक गया है। अब इसमें हम जो सारे मसाले हैं, धनिया, हींग, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, सब डाल देंगे, इसमें डालेंगे और डाल के थोड़ा सा भून लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से भून लेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने चोखा तैयार किया था, ये इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, स्लो गैस पे इसको हम भूनेंगे थोड़ी टाइम तक। देखिए मैं भून रही हूँ गैस स्लो करके, अच्छे तरीके से इसको पूरा हम मिला देंगे।
खूब अच्छे से मिला देंगे। उसके बाद इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। आपको जितना नमक चाहिए आप उतना नमक ऐड कर सकते हैं इसमें, और नमक को हमें मिक्स कर देना है। तो देखिए कितना प्यारा कलर आया है, आप लोग भी देखिए। और हमारा ये थोड़ा पक चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे हरी धनिया, और हरी धनिया को हम मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है हमारे चोखे का। तो ये है सूरन का चोखा, तो आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारा चोखा पक रहा है और बहुत ही प्यारा कलर है, और सोंधी सोंधी सी स्मेल आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ मैं बनाने वाली हूँ बाजरी की रोटी। तो बाजरी की रोटी का हमने वीडियो शेयर किया हुआ है, तो आप लोग पीछे की वीडियो में जाएंगे तो आपको बाजरी की रोटी मिलेगी देखने को, कैसे कैसे मैंने बनाया था। गैस के ऊपर ही बहुत अच्छी बाजरी की रोटी बनती है। आप अगर बनाना चाहें तो पीछे के वीडियो में जाके आप लोग देखिएगा, क्योंकि रोज़ रोज़ एक ही खाना खा खा कर बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा अलग हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसको थोड़ी देर तक स्लो गैस पे पका लिया है मैंने अब, तो ये पक चुका है अच्छे तरीके से। हमारा चोखा तैयार है, तो ये देखिए बहुत ही यम्मी यम्मी सा। तो ये बाजरी की रोटी के साथ, और रोटी बाजरी की रोटी में घी लगा कर अगर आप रख दें थोड़ी टाइम के लिए तो एकदम सॉफ्ट हो जाती है, तो बहुत ही यम्मी टेस्ट लगता है। और फ्रेंड्स अगर आप इसमें चाहें तो नींबू का जूस भी ऐड कर सकते हैं, एक नींबू निचोड़ सकते हैं, बट मैं इसमें नींबू नहीं निचोड़ रही हूँ। आप चाहें तो खट्टापन लाने के लिए निचोड़ सकते हैं। तो मेरा चोखा तैयार है और गैस को अब हमें ऑफ कर देना होगा। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड। मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को Bye-bye.